सो गाइस वेलकम बैक टू एलटी व्लॉग्स फॉर अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। और वीडियो में भाई अगर मैं तुम्हें लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बताऊं तो भाई बात यह है कि कल शाम को ही मिस्टर मार्क मैकगवान जहाँ के प्रीमियर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी कि भाई 5 फरवरी से जो बॉर्डर खुलने थे WA के वो नहीं खुल रहे। ठीक है, अगर तुम्हें सिर्फ न्यूज़ जाननी है तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तुम देख सकते हो। ठीक है, और अगर तुम्हें इन डेप्थ एनालिसिस चीज़ बारे में तो यू आर मोर देन फ्री टू वॉच दिस वीडियो। ये वीडियो बहुत ही ब्रेक डाउन है लोगों के लिए, क्योंकि कई लोग प्लान कर रहे थे WA आने का एंड इवन तो सिर्फ 2 हफ्ते बचे थे उस डेट को आने में। किसी ने भी नहीं सोचा था कि भाई मार्क मैकगवान जो हैं वो वापस अपने यू नो ही विल गो बैक ऑन हिज वर्ड। उन्होंने कहा था कि जो 5 फरवरी डेट है इट इज़ लॉक्ड इन, किसी भी सर्कमस्टांसिस में चेंज नहीं हुई, बट इट हैज़ हैपेंड। सडन था, किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था। तो ये भाई क्यों हुआ है इसके बारे में बात करेंगे एंड इस वीडियो में मैं भाई तुम्हें अपने थॉट्स नहीं बताऊंगा, बिकॉज मेरे थॉट्स से आपके थॉट्स मैटर नहीं करते। व्हाट मैटर्स इज़ द फैक्ट, एंड द फैक्ट इज़ कि WA के बॉर्डर अभी नहीं खुल रहे। कब खुलेंगे भाई ये भी नहीं पता, विच इज़ अनदर फैक्ट। तो अगर मैं तुम्हें एक हेडलाइन के फॉर्म में बताऊँ तो WA बॉर्डर ओपनिंग हैज़ बिन डिलेड इनडेफिनेटली। ठीक है, मतलब कोई डेट नहीं दी उन्होंने। हो सकता है अगले महीने खुले, हो सकता है भाई अगले साल खुले, कुछ नहीं कह सकते एज ऑफ नाउ। हो सकता है फ्यूचर में कोई डेट आ जाए, डेट रिलीज कर दे, बट अभी की सिचुएशन के हिसाब से भाई हमें कुछ नहीं पता। सो अभी पहले देखते हैं कि भाई पहली बात तो इस न्यूज़ के रिगार्डिंग बहुत सारे लोग पिस्ड ऑफ हैं और बहुत सारे लोग खुश भी हैं। तो पहले देखते हैं भाई पिस्ड ऑफ कैसे है। मैंने कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स निकाले जो कि आज के न्यूज़पेपर में थे, विच वर स्ट्रेट अवे क्रिटिसाइजिंग दिस डिसीजन ऑफ मिस्टर मार्क की भाई आपने बॉर्डर जब खोलने की बात कर दी थी एंड ऑल दी अरेंजमेंट्स हैव बीन टेकन प्लेस, तो भाई आपने क्या सोच के आपने बॉर्डर ओपनिंग कैंसिल कर दी, तो उसके बारे में हम लेटर ऑन वीडियो में बात करेंगे। बट पहले तुम ये स्क्रीनशॉट्स देखो जरा। सो एज यू कैन सी वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म मिला उनको हर जगह से, न्यूज़पेपर से, पॉलिटिकल पार्टीज से, ऑपोजिशन पार्टीज, मतलब जो भी है हर चीज़ से जगह से उनको क्रिटिसिज्म मिला है। बट भाई पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिले हैं, स्पेशली फ्रॉम द हेल्थ डिपार्टमेंट, फ्रॉम द नर्सेज, फ्रॉम द फ्रंटलाइन वर्कर्स, फ्रॉम डिसेबिलिटी होम्स, फ्रॉम एज्ड केयर, मतलब बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, वो हम इसमें देखेंगे। तो इस वीडियो में भाई तुम्हारे 7-8 मेजर जो क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस अपडेट वो आंसर हो जाएंगे। सबसे पहली बात कि बॉर्डर भाई कब खुलेंगे। ठीक है, व्हेन विल द स्टेट रीओपन, पहला क्वेश्चन ये। और हुआ क्या है जिसके बेसिस पे डिसीजन लिया गया, सो व्हाट हैज हैपेंड, व्हाई हैज WA डन दिस, व्हाट डज इट मीन फॉर द फ्यूचर फॉर द पीपल जो यहाँ आने का प्लान कर रहे थे या फिर जो ऑलरेडी बाकी स्टेट्स में यू नो क्वारंटीन कर रहे हैं, जो इस चाह में थे और इस उम्मीद में थे कि हम 5 फरवरी को हम पर्थ में आ जाएंगे। ठीक है, देन हम डिस्कस करेंगे कि कोई न्यू डेट नहीं है बॉर्डर खुलने की, तो उसके पीछे रीज़न क्या है। इज़ द हेल्थ सिस्टम रेडी, क्योंकि कई लोग ये सोच रहे हैं जो कि अजम्पशन है कि WA's हेल्थ सिस्टम इज नॉट येट रेडी टू यू नो टेक द प्रेशर ऑफ द कोविड एंड स्पेशली द ओमिक्रॉन स्ट्रेन, तो वो उसके बारे में बात करेंगे। एंड एक्चुअली में फरवरी के बाद देखो ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल हार्ड बॉर्डर रहेगा, बट कुछ कुछ एग्जेम्पशंस होंगी जिसमें लोग ट्रैवल कर सकेंगे, तो उसके बारे में भी देखेंगे। सो बिना देरी के चालू करते हैं। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन WA's COVID-19 बॉर्डर विल स्टे शट इनडेफिनेटली, वॉट नाउ एंड वेन माइट द स्टेट रीओपन। तो सबसे पहली चीज़ भाई ये आती है कि इसका बैकग्राउंड क्या है। 2 years into the pandemic, Western Australia once again has left indefinitely closed off to the rest of the world. Its plan to bring down the borders on 5th February has been ditched. और ये प्लान अभी रिसेंटली नवंबर में ही निकाला था, और 21st December को, विच इज नॉट इवन अ मंथ बैक फ्रॉम नाउ, मार्क मैकगवान ने कहा था कि जो 5th February डेट है दैट हैज़ बिन लॉकड इन एंड इट वोंट मैटर अनलेस देर इज एन कैटास्ट्रोफी और एन इमरजेंसी। तो भाई पढ़ते हैं इसके बारे में आगे। What has happened? ठीक है, पहली बात तो क्या हुआ भाई, ऐसा क्यों हो गया। Late last year, WA Premier Mark McGowan announced that on February 5 to interstate and international travelers, describing that date and the time as locked in. Locked in मतलब भाई locked in का मतलब होता है कि ये date change हो ही नहीं सकती unless there is a catastrophic event. ठीक है, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आपका 90% वैक्सीनेशन रेट हो जाएगा तो हम खोल देंगे, और करंटली द रेट इज 89% फॉर डबल डोज वैक्सीनेशन, विच इज क्वाइट हाई। But in an extraordinary evening press conference, barely 2 weeks from that date, Mr. McGowan walked away from that plan, insisting it would be reckless and irresponsible for WA to proceed. ठीक है, तो मैं हर चीज़ तुम्हें exact detail में नहीं बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी भाई। मेरा पॉइंट है कि तुम्हें न्यूज़ तक लाना, इवन दो तुम बोलोगे भाई मैं नेगेटिव न्यूज़ स्प्रेड कर रहा हूँ और मैंने नेगेटिव एस्पेक्ट दिखाया है, बट द थिंग इज आप रियलिटी से भाग नहीं सकते। ठीक है, अगर आपको अपनी आंखें बंद करनी दैट इज योर पर्सनल ओपिनियन, बट अगर तुम्हें फैक्ट्स जानने हैं देन प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियो।
Why has WHO done this? According to Mr. McGowan, it all comes down to the Omicron variant upending all the assumptions WHO has based a reopening plan on. तो अगर तुमने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी थी जिसमें मैंने बताया था कि बॉर्डर्स खुल रहे 5 फेब को, उसमें एक प्रॉपर एक प्लान दिया हुआ था और वो प्लान बेस्ड था ऑन द डेटा ऑफ डेल्टा वेरियंट. ठीक है, जब से ओमिक्रॉन वेरियंट आया ट्रेंड्स हैव चेंज्ड एंड ही स्टिल थिंक्स कि अगर हमने अभी बॉर्डर खोल दिए तो ओमिक्रॉन वेरियंट इज वेरी कंटेजियस एंड द मेडिकल सिस्टम इज नॉट येट रेडी. दैट्स व्हाट वी थिंक इट इज. सो इन्होंने डेट लॉक इन की थी बट अनफॉर्चुनेटली द वर्ल्ड चेंज इन डिसंबर, ओमिक्रॉन अराइव्ड. ओमिक्रॉन इज अ होल न्यू बॉल गेम, ब्ला ब्ला ब्ला, ये तुम पढ़ सकते हो कि इसका क्या ओपिनियन है ओमिक्रॉन के बारे में. सो वॉट डज इट बेसिकली मीन? इफेक्टिवली ट्रैवल टू वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया विल रिमेन ऑफ लिमिट्स बियॉन्ड फरवरी 5. द रूल्स विल नॉट बी क्वाइट एज एक्सट्रीम एज दे आर नाउ. जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि कुछ कुछ एग्जेम्पशंस होंगे उनको अलाउ कर देंगे, बट अगर तुम सिर्फ एक आंसर के लिए वेट कर रहे हो कि स्टूडेंट्स उसमें हैं कि नहीं है, तो वे स्टूडेंट्स नहीं है. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, देर विल बी एग्जेम्पशंस फॉर कंपैशनेट ग्राउंड्स. अब भाई कंपैशनेट ग्राउंड्स ये होता है कि भाई किसी का फ्यूनरल है, किसी की शादी हो रही है, एक तुम्हारा कोई रिलेटिव या फैमिली मेंबर टर्मिनली इल है जिससे तुम्हें मिलना ही मिलना है, तो वो कंपैशनेट ग्राउंड्स के अंदर आता है. ठीक है, एंड अलाउ रिटर्निंग वेस्ट ऑस्ट्रेलियंस बैक इनटू द स्टेट व्हिच डू नॉट एग्जिस्ट करेंटली. तो भाई पहली बात तो क्या है, ये रूल अभी तक एग्जिस्टिंग में नहीं था, बट जो भी वेस्ट ऑस्ट्रेलियंस जिनको अपने स्टेट में वापस आना है तो वो अलाउ किए जाएंगे स्टेट के अंदर. तो दो ही चीज़ें हैं, कंपैशनेट ग्राउंड्स एंड ऑब्वियसली अगर तुम्हारे पास एग्जेम्पशन है तो, और तीसरा कि अगर तुम यहाँ के सिटीजन हो तो तुम वापस स्टेट में आ सकते हो. बट दे विल स्टिल बी अ हार्ड बॉर्डर, नोबडी विल बी एबल टू एंटर WA विदाउट अ कंपेलिंग रीजन. तो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिसाब से स्टूडेंट्स और स्टूडेंट वीजा इज नॉट अ कंपेलिंग रीजन, दैट्स व्हाट दे हैव सेड. एंड जो लोग आ भी रहे हैं उनके लिए देर विल बी वेरी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन दोज हु आर अलाउड इन, इंक्लूडिंग 14 डेज ऑफ मैंडेटरी सेल्फ आइसोलेशन, रेगुलर PCR टेस्टिंग एंड मैंडेटरी ट्रिपल वैक्सीनेशन. तो भाई अभी तक हम दो वैक्सीनेशन पे थे, अब वो एक स्टेप आगे जा चुका है विच इज ट्रिपल वैक्सीनेशन. What now? That is the biggest mystery of all this. For months now, West Australians had a clear goal in mind, 90% vaccination for the 12 plus cohort. The public was promised, ये तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ कि भाई पूरा मतलब promise हो गया था. And इसका implication क्या है कि इन्होंने चलो कर दिए बंद और खोलने का plan नहीं है. So there is no new date, question mark. No. And it is not even clear when WA will set a date again, much less what that date will be. पहली बात तो देखो डेट आनी बात की बात होती है, पहली बात है कि वो डिस्कशन होगा और वो कोई डेट सेट करें. ठीक है, तो मतलब अभी तो डेट सेट ही नहीं हुई है और एक्चुअल डेट का तो तुम टाइम भूल जाओ, तो इसलिए लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि हो सकता है ये एक नई स्कीम. ये मेरी स्पेकुलेशन है, इट्स अबाउट द पब्लिक हु आर थिंकिंग कि जब तक थर्ड वैक्सीन का तुम्हारा रेट नहीं बढ़ जाएगा तब तक बॉर्डर बंद रहेंगे. दैट इज द फर्स्ट वन. सेकेंड वन इज कि जब तक बूस्टर शॉट्स मोस्टली यू नो 50-60% पॉपुलेशन को नहीं लग जाते. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी है कि भाई एक साल भी हो सकता है, एक महीना भी हो सकता है, किसको पता, किसी ने बताया नहीं है अभी तक. इज द हेल्थ सिस्टम रेडी? दैट वॉज द बिग क्वेश्चन फॉर मेनी वेस्ट ऑस्ट्रेलियंस. कुड द स्टेट कोप अप विद द फ्लड ऑफ कोविड केसेस? द स्टेट्स हॉस्पिटल्स हैव बीन अंडर इमेंस प्रेशर इवन विदाउट कोविड पेशेंट्स एंड मेडिकल लॉबी ग्रुप्स हु हैड पुश्ड फॉर डिले सर इट वॉज क्लियर द सिस्टम वुड क्रम्बल इफ द वायरस सर्ज इन WA. तो भाई जिनको नहीं पता, WA में पिछले 2-3 हफ्ते पहले एक रैली हुई थी पूरे मेडिकल स्टाफ की और नर्सेस की, हु आर प्लीडिंग द प्रीमियर की भाई प्लीज बॉर्डर मत खोलो, आर हेल्थ सिस्टम इज नॉट रेडी टू टेक द बर्डन एंड द प्रेशर जो ओमिक्रॉन केस अपने साथ लाएगा. न्यू साउथ वेल्स में भाई डिजास्टर हो चुका है, मेलबर्न में भी सेम चीज़ हो रहा है एंड ब्रिस्बेन में भी अब सेम चीज़ हो रहा है, बहुत सारी डेथ्स भी हो रही हैं. तो इनके ओपिनियन में जो भी मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड उनके लिए तो एक गुड न्यूज़ है कि यार ठीक है बॉर्डर डिले हो गए ओपनिंग होना, बट एक्चुअली में आई थिंक दैट्स वॉट इग्नाइटेड द थिंग, क्योंकि इन्होंने जब प्रोटेस्ट किया था That made Mr. McGowan think about it. कि यार क्या मैं ओमिक्रॉन को अपनी कम्युनिटी में ला के एम आई डूइंग अ फेवर ऑन द पीपल या फिर मैं उन पर और स्ट्रेस डालने वाला हूँ और बर्डन डालने वाला हूँ. बट क्रिटिक्स पॉइंट टू द फैक्ट दैट WA हैज हैड 2 years टू प्रिपेयर एंड रिकॉर्ड सेटिंग multi-billion-dollar surplus is leaving little excuse for the state to be unprepared. ये क्रिटिक्स का रीजन है कि भाई तुम्हारे पास 2 साल थे पूरे प्रिपेयर करने में, 2 साल तो तुम शट पड़े हो. अगर तुम 2 साल के बाद भी अगर तुम अपने हॉस्पिटल्स को प्रिपेयर नहीं कर सकते और इतना पैसा खर्च करके भी अगर तुम कह रहे हो कि वी आर नॉट येट प्रिपेयर्ड, तो मतलब जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपना काम नहीं किया. दैट्स व्हाट दिस है. हु कैन एंटर WA आफ्टर फरवरी 5? द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड दैट रिटर्निंग वेस्ट ऑस्ट्रेलियन विद अ स्ट्रॉन्ग रीसेंट कनेक्शन और फैमिली इन WA विल बी परमिटेड. और बाकी तुम ये पूरी लिस्ट पढ़ सकते हो कि एग्जैक्टली कौन कौन अलाउ होगा एंड कौन कौन अलाउ नहीं होगा. What else do I need to know? There are still issues with WA we still need to decide upon, especially with the virus. And हाँ भाई G2G pass का के बारे में बताना चाहूँगा मैं. G2G pass तुम्हें चाहिए होता है WA में आने के लिए, उसके प्रोसेसिंग टाइम्स ऑलमोस्ट 9 टाइम्स बढ़ गए. ठीक है, तो अगर तुम किसी और स्टेट में पढ़े हुए हो
और प्लान कर रहे हो पर्थ आने का, तो भाई आज इसी समय वीडियो को छोड़ो, G2G पास के लिए अप्लाई करो, क्योंकि प्रोसेसिंग टाइम बहुत लंबे हैं। एंड अगर वो तुम्हारी कोई फ्लाइट वाइट बुक्ड हो और तुम्हें G2G पास ना मिला, तो फ्लाइट की रीशेड्यूलिंग चार्जेस अलग, G2G पास की बहुत लिमिटेड एक्सपायरी होती है, तो उसी टाइम फ्रेम में तुम्हें एक दोबारा फ्लाइट बुक करनी पड़ेगी, विच विल बी अनदर हेडेक। तो गाइस दैट वाज प्रीटी मच इट। इसको शॉर्ट रखेंगे, ब्रीफ रखेंगे, क्रिस्प रखेंगे कि ये थी न्यूज़ जो कल ही आई है शाम को। कल मैं काम पर था, वीडियो नहीं बना पाया, आज मैं काम से वापस आया, मैंने वीडियो बनाई है, सो दैट यू गाइस कैन नो व्हाट इज हैपनिंग इन WA। एंड मेरे कितने खुद के दोस्त हैं, मेरे 4 फ्रेंड है जो सिडनी में क्वारंटीन करा जिन्होंने, एंड 2 फ्रेंड है जो मेलबर्न में क्वारंटीन किया उन्होंने, एंड दे वर प्लानिंग टू कम हियर आई थिंक ऑन द 9th of Feb और द 10th of Feb। 3 की तो टिकट्स भी बुक थी। उनको अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बट आई एम होपिंग कि स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग में कोई न्यूज़ आएगी इन द कमिंग फ्यू डेज, क्योंकि यार ऑस्ट्रेलिया में अगर वो आए हैं वो तो बीच में फंस जाएंगे यार, ना वो इंडिया जा सकते हैं वापस और ना वो अभी यहाँ पे ऑन शोर अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। दैट इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर देम, बट आई एम पॉजिटिव कि कोई न्यूज जल्दी आएगी, जैसी आएगी तुम्हें बताएंगे। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज लीव अ लाइक एंड कमेंट इफ यू हैव एनी फर्दर डाउट्स, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।